मुजफ्फरनगर में देर रात हुई एक शिक्षक की हत्या के मामले में नगर में शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना के बाद आक्रोशित शिक्षकों ने सर्कुलर रोड को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। काफी संख्या में शिक्षकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान धरने पर पहुंचे कुछ राजनीतिक चेहरों को भी शिक्षकों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिनका शिक्षकों ने विरोध किया। घटना मुजफ्फरनगर के रोडवेज के निकट स्थित एसडी कॉलेज प्रांगण की, जहां देर रात सिपाही के साथ मृतक शिक्षक वाराणसी से बोर्ड की कॉपियां जांच के लिए मुजफ्फरपुर आया था। इस दौरान तंबाकू न देने पर हत्या करने का सिपाही पर आरोप है। सिपाही द्वारा शिक्षक की हत्या करने के विरोध में सैकड़ों शिक्षकों ने सर्कुलर रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पर सपा विधायक पंकज मलिक, सपा के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा सहित भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और शिक्षकों को अपना समर्थन देते हुए घटना पर खेद प्रकट करते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मृतक शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह यूपी के वाराणसी के निवासी थे, जिनको मुजफ्फरनगर में सिपाही के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को लेकर साथ आए सिपाही ने ही घटना को अंजाम दिया। आरोपी सिपाही ने तंबाकू न देने पर अपनी कार्बाइन से शिक्षक पर फायर कर दिया। गोली लगने से शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है और आरोपी सिपाही को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। धरने पर बैठे रात जो घटना हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, गलत है, पूरा का पूरा गलत हुआ है और जो शिक्षकों की कमेटी है ये अपना निर्णय लेने में सक्षम है। पूरा किसान इनके साथ में है और पूरा मुजफ्फरनगर साथ में है। गलत फहमी में ना सरकार रहे ना यहाँ का पुलिस प्रशासन रहे कि इनको कुछ कर देगा। आप अपना बैठे रहो, पांच आदमी रहोगे, आपका जब तक फैसला नहीं होने का हम यहीं रहेंगे। ये ज्यादा दिक्कत करेंगे, हम किसानों को बुलवा लेंगे और को। देखो है क्या, उसकी पत्नी की तरफ से रिपोर्ट नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट में केस जाएगा तो पत्नी तो है नहीं यहाँ पे। बिल्कुल, जो मौके के हुए हैं वे लिखें और इसको सरकार इसको करे। मुआवजे की मांग है, जो डिमांड है उनको मुआवजा दे और उनको नोक दे और उसमें केस चलावे। ये तीन चार डिमांड है और भाई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, घबराने की वो जरूरत नहीं ना। घबराओ, हम आपके साथ में हैं, यहाँ पे ही हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। हमारे पीछे मत खड़ा हो, जोन सा प्लान बना के पीछे खड़ा होगा उसी का फोटो जाएगा, उसी पे केस होगा। आप अपना बच्चे रोज और रूटीन में जहाँ खड़ा तो कम से कम सब साथ में, जो प्लान बनाएगा हमारे पीछे खड़ा होगा वो टारगेट पाएगा। इनकी मंत्री सरकार के जिले में है। देखो है क्या के भाई, मंत्री तो उन्होंने आते कि वे सरकार में शामिल है। दुखद घटना है, किसी की प्लान की ओर नहीं है। पुलिस वाले हैं वो भी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये है कि ये प्लान बनाएंगे, पुलिस वाला भी मुकदमा लिखवाने को तैयार नहीं होगा। उनकी वाइफ से करेंगे, जो कमेटी गई है इनको जाने दो और इनको आने दो फिर वापसी। अरे भाई देखिए, साथ दे दिया किसी का ट्रांसफर यहाँ पे, उसका गोरखपुर तो जरूर पाओगे ट्रांसफर। ये नहीं कि अभी अभी करे, जैसे ही सूरज वहां पर जा रहा प्रपट जो, और यहाँ पे 11 आदमी रह रही है, समझौता करे पावे फिर। आप अपना रुको, हम सब साथ में है ना, कुछ यहाँ पर होना उसके लिए सब तैयार है। ये मुजफ्फरनगर जिला है, यहाँ पे सारी मदद उनकी बार वालों की करी जाएगी, क्योंकि दुखद घटना है, दुखद घटना। काफी देर से जो है शिक्षक धरने पर बैठे, समाधान अभी तक समस्या। देखो अधिकारी ऊपर से अपनी बात कर रहा होगा, अधिकारी भी उनको क्या करना है, इनके हाथ में अधिकारी का कुछ नहीं है। ऊपर से जो आदेश इनको होगा वे वही काम करेंगे। अभी जाने दो, इनकी कमेटी बनी हुई है, वे गए हैं, उन लोगों को मजबूती से अपना काम करना चाहिए। ठीक है साहब, जिस तरह से हत्या की गई है, गोली से भुना गया, उसके लिए क्या? भाई दुखद है, जब गोली किसी का मारना तो गुनाह है, 307 की 302 की धारा लगेगी उसमें। गलत है ना, सारी चीजें गलत है, लेकिन पूरी जांच हो जाए कि क्या हुआ, क्या घटना रही। वे जो चार लोग हैं जिनके अपने लोग यहाँ के बता रहे हैं, उनसे भी पूरी बातचीत करें, लेकिन पब्लिक में उनको नहीं भेजते होंगे। पुलिस प्रशासन उनसे बात करें और जो दो तीन चार लोग यहाँ से चले जाएं, जो मुजफ्फरनगर कमेटी के लोग हैं, उनसे भी मिल जाएं, उनके पास में भी जानकारी हो, और फिर आगे बयानबाजी भी वही लोग यहाँ पे करें। आपका पूर्ण
हम तो पूरा रहेंगे, हम तो यही रहेंगे जब तक फैसला नहीं होता। ये ज्यादा दिक्कत करेंगे, एक फोन करेंगे तो लोग अपना सब आ जाएंगे यहाँ पे। इसके लोगों को सबको, सब मुजफ्फरनगर के लोगों की सबकी उनके साथ में संवेदना उनके साथ में है, हम सब साथ में है। ये टीचर उसका नाम नहीं जानते, गांव नहीं जानते, घर नहीं जानते, कभी मिले नहीं, लेकिन टीचर टीचर हैं या कोई भी विभाग है, सब लोग आए हुए हैं और सब उनके पक्ष में है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी दुखी है कि उनके आदमी से गोली चली है। भाई हालात तो इनका भी है कि ड्यूटी दे रहे हैं कई कई घंटे, कपड़े लेके नहीं आऊंगा, सीधा रजिस्टर में नौकरी वो लगाई के लगा बैठ जा, वाले दो घंटे में उसे हो गए होंगे 6 दिन, तो टेंशन में तो होगा ना भाई। प्रॉपर किसी को बताओ कि आप जा रहे हो, आप 8 दिन के लिए जा रहे हो, आप जाओ वहां पे, और जो टीचर है उनके साथ में या तो भाई ग्रुप बना दे, उससे पूछ लो भाई आप नशा पत्ती करोगे नहीं करते, तो उसी आदमी को भेज दो, और बिल्कुल साफ सुथरा हो तो बीड़ी भी पी लगे तो दिक्कत तो होती है ना। जिससे नशे में हत्या की गई उसके लिए क्या गए भाई, नशा करा क्यों, गलत चीज है ना नशा भाई, किसी साफ शरीफ आदमी को भेज देते, और किस किस ने करी है वो तो जो इकट्ठे हैं क्या घटना हुई होगी वो बताएंगे सारी। अब तो हत्या है, 302 का मुकदमा है, मुलजिम पकड़ा गया है, सरकार ये रिपोर्ट लिख के मुजफ्फरनगर के लोग और इनको भी फ्री करे, अपना कार्रवाई करते रहे, 302 की हत्या का मुकदमा चलेगा। मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद है कि शिक्षक को जो काम करना था उसकी बजाय सड़क पर बैठना पड़ रहा है, इतनी धूप तेज है, मुझे लगता है हम लोग सब परेशान हैं, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी हमें जो आज महसूस हो रही है, हमारे एक शिक्षक साथी को AK-47 दरार को एक पुलिस वाले द्वारा भून दिया गया, छलनी कर दिया गया शरीर, उसकी विधवा उसके छोटे छोटे बच्चों को देख करके आज हमें इतनी दुख की अनुभूति हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे कि आज हम शिक्षक किस बेचारे की स्थिति में पहुंच गया। एक शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी संगठनों के अध्यक्षों का जो एक मीटिंग हुई है उसमें निर्णय लिया गया था कि एक मांग पत्र दिया जाएगा SDM साहब और EDM साहब द्वारा दिया गया कि जो भी आपके मांगे हैं वो आप हमें लिखित में दीजिएगा, उसमें 6 मांगे दे दी गई थी और उसमें से एक आ गया था कि 3 मांग मुख्य हैं जिनको सभी लोग ये चाहते हैं कि यहीं पे पूर्ण हो, वो 3 मांगे जिसमें थी कि शिक्षक थी जो ऑन ड्यूटी मरा है उसको राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, दूसरी मांग थी उसके परिवार को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और तीसरी मांग उनकी जो विधवा है उनको सरकारी नौकरी PCS रैंक की दी जाए, क्योंकि इसमें हम बार बार ये बात कहते हैं कि लखनऊ में एक व्यापारी को एक पुलिस वाले द्वारा गोली मार दी गई थी, आप मीडिया के साथ बंधु जानते होंगे उसको अच्छी तरीके से, उसमें सरकार द्वारा तुरंत 50 करोड़ की घोषणा और उसकी वाइफ उनकी वाइफ को PCS रैंक की नौकरी दी गई थी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार तुरंत उनको PCS रैंक की नौकरी दे, और दूसरा राज्य के सम्मान के साथ वो 10 करोड़ की जो घोषणा वो तुरंत यहीं पर पूर्ण हो सकती है, बहुत छोटी मांग है। एक शिक्षक साथी का जो परिवार है जो बर्बाद हो गया उसको कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष उसका मजबूत हो जाएगा, और बाकी जो मांगे हैं जो NSA के तहत पुलिस वाले पर कार्रवाई, और बाकी जो डिमांड गई है कि इस तरह की ड्यूटियों में पुलिस का वेरिफिकेशन हो, कोई पुलिस वाला शराब या उसकी मानसिक स्थिति ठीक है तभी उसकी ड्यूटी लगाई जाए ऐसे कार्यों में, ये सब मांगे जो कार्रवाई है उन पर कार्रवाई होती दिखे। ये वाराणसी के रहने वाले शिक्षक थे, धर्मेंद्र से हमारे साथी, जो SD कॉलेज में ट्रक में कॉपियां लेकर के आए थे, और इतनी बुरी स्थिति होती है कि 4-5 दिन तक बेचारे वो उन कॉपियों के ऊपर ही ट्रक में सोते हैं, और वो पुलिस वाले खुद आगे बैठे हुए थे, उनको पीछे ट्रक में बैठा रखा था, कॉपियों के ऊपर वो बैठे हुए थे, और यहाँ पर रात को आकर के वो SD कॉलेज पर रुके और वहाँ पर कोई बात हुई। अब वो पूरी एक्चुअली स्थिति तो वहाँ से वही बताई जा सकती है, वो पुलिस वाला ही बता सकता है, क्योंकि हमारा शिक्षक साथी तो मारा गया कि उसने पूरी की पूरी मैगजीन शराब पी करके शराब के नशे में उस शिक्षक साथी पर खाली कर दी और शरीर छलनी कर दिया, 10 गोलियां सबसे ज़्यादा बताई जा रही है शिक्षक साथी के शरीर में है, तो मुझे लगता है बहुत ही दुखद है, और इस समय में मुझे लगता है शासन प्रशासन को बहुत ही संवेदना के साथ में उस परिवार के साथ में और शिक्षक साथी को न्याय दिया जाए, ताकि यहाँ से जितने भी संगठन के अध्यक्ष हैं सभी इस धरने को भी चाहते हैं कि जो मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है उसको भी कर सके, वो सुचारू रूप से चले, और आगे जो चुनाव की व्यवस्था, चुनाव में भी ड्यूटियाँ लगी है वो भी पूर्ण हो सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब शिक्षक साथी को न्याय नहीं मिल पाएगा तो चुनाव ड्यूटी हो या मूल्यांकन कार्य हो पाना संभव नहीं हो पाएगा।